है ललितपुर ज़िले के मेहरौनी ब्लॉक का सचिवालय। यहाँ पर सफाई कर्मी होते हुए भी सफाई का नामो निशान नहीं है। सफाई कर्मी कभी कभार आता है महीने में एक आध दिन, और यहाँ पे नालियों में, रास्ते पर और जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर भी गंदगी पड़ी हुई है, निकलने में परेशानी है। स्कूल की स्थिति ऐसी है कि नल भी खराब है वहाँ का, और बाथरूम में भी मतलब साफ सफाई नहीं रहती तो बच्चे करते हैं, यूज नहीं कर पाते बच्चे कभी कभार तो। और जैसे कि गांव की स्थिति देखो तो गांव के जैसे अब सबके दरवाजे हैं तो वो तो साफ करेंगे ही, लेकिन अगर थोड़ी गांव के और भी बाहर देखो तो गंदगी फैलती है, कचरा जमा रहता है, बीमारियां होती है। 3 महीना से नहीं आओ, हमारे दौर में तो नहीं आओ, 10 साल से देखो ऐसा है, हमारे दौर में उसने कभी सफाई नहीं करी, कभी नाली साफ नहीं करी। हमन लोगन ने मतलब जो है प्रधान ने बताई थी कि नगद पैसा देंगे 300 रुपया दिन में, सो हम 10-12 आदमी लगे रहे थे, एक दिन के पैसा दे 3 दिना काम करो तो एक आदमी ने 900 रुपया बने थे। तो आप लोगों ने बोला नहीं? अब बोला तो वो आता है, एक महीना में एक भी पेपर मान लो चला जाता है, थोड़ा बहुत मंदिर के पास करता है झाड़ा फूकी बस। यहाँ की स्थिति यानी जैसे कुछ सफाई कर्मी हो ही नहीं, कुछ भी यानी कि ठीक ठाक नहीं है आपकी स्थिति। स्कूल में देखो तो वो नहीं है, गांव में देखो तो वो भी नहीं है। नियमित सफाई करे, क्योंकि उसको सरकार का वेतन इसीलिए दिया जाता है कि वो गांव में स्वच्छता करे। तो प्रधान को भी थोड़ी जिम्मेदारी निभाना चाहिए अपनी भूमिका, और प्रधान सफाई कर्मी से ही उसे बोलना चाहिए। मेरा मुद्दा ये है गंदगी का कि गांव में पक्की मकान तो है नहीं है, और जो सीसी है वो है ना बिना नाली वाला, हम 15 साल है रास्ता वहाँ पर गांव में सकरा हो, तो सकरा है, अगर वहाँ पर हम पक्की नाली बनाएंगे तो मार्ग सकरा हो जाएगा और वाहन हम लोगों के नहीं निकल पाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जहां सरकार हर गांव गली चमकाना चाहती है, वहीं सफाई कर्मी गायब है। मेहरौनी ब्लॉक के चौकी गांव में ये बात जानने के बाद जब हमारे रिपोर्टर सफाई कर्मी से पूछने गए तो पहले तो उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया, और फिर घूस देकर खबर दबानी चाहिए। हमको ड्यूटी है प्राथमिक विद्यालय को साफ करना, बल्कि एक तो जो सार्वजनिक जैसे पंचायत भवन है और मंदिर के पास तो लोग बाग कहते हैं, उससे तो कहता हम विकलांग हैं, हम नहीं आ पाते हैं, तो बहाने बना जाता है, कहता है ईडीओ पंचायत के यहाँ से हमको तो जैसे ये कि 7 दिन में 2 बार आना है, ऐसे ऑर्डर मिले हुए हैं।